तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल। तो गाइस, आप लोग इस गेम प्ले का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो चलो आपके लिए यह गेम प्ले भी आ गया है। अब मुझे एक बात गाइस, आर्क सर्वाइवल में यह समझ में आई कि जहाँ पे मैं किल होता हूँ ना, उसी जगह पे कोई मतलब एक तरह से ये ग्रीन लाइट होती है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, और उसी जगह से मुझे लूट मिलती है। जो मेरी लूट छूटती है ना, वो मुझे मिलती है। तो चलो मैं अपनी लूट लेकर आने के लिए ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन यार वहाँ पे क्या है कि कुछ मॉन्स्टर है पानी के अंदर, तो वो है ना मतलब मुझे किल कर देते हैं। चलो दोबारा ट्राई करते हैं चल के। तो अभी पहले मैं गया ना, तब मेरे पास में कोई वेपन नहीं था, लेकिन अब मैं वेपन बना के लेकर आया हूँ, ठीक है। तो पहले इनको किल करना पड़ेगा यार, इनसे फाइट करनी पड़ेगी। बट ये है कि ये अगर मतलब अपन को पकड़ लिए ना एक बार, तो फिर उसके बाद ये अंदर खींच लेते हैं। तो देखो दोबारा भी मेरे साथ में ऐसा ही हुआ, तो इनसे हमें बचना है और एक एक करके इनको किल करना है। ये भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अभी तक इस गेम में नया हूँ और मैं सही वेपन अभी तक यूज नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन से वेपन से सबसे ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ठीक है। तो चलो डोर को बंद कर देते हैं, घास वाला डोर है वैसे ये, तो वापस फिर से वहीं पे चलते हैं गाइस, ट्राई करते हैं जीतने की। अच्छा, मेरी लूट कम होती जा रही है, देखो वहाँ पे मतलब मेरी लूट छूट रही है गाइस, ठीक है। अब तो दो दो जगह पड़ी हुई है। वैसे मैं किल तो दो बार हो चुका हूँ और ग्रीन लाइट पहले से हो रही थी, तो इनको इधर आने दो, एक एक करके किल करेंगे अब इनको, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, इससे ज़्यादा आगे नहीं आएंगे ये, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है ना। ये लो, मैंने उसको डैमेज दिया है 115 103 90 64 51। ओके गाइस, तो ये किल होने वाला है, ये हो गया। इससे भी कुछ मिलेगा क्या हमें, पता नहीं कुछ मिला या नहीं, अभी तक इतना कुछ आता नहीं है आर्क सर्वाइवल में। अब दूसरे का नंबर लेते हैं। वैसे अगर ये चाहे तो मुझे पानी के अंदर पकड़ के खींच सकती है, लेकिन अकेली है ना, इसलिए खींच नहीं पा रही है। अगर दो तीन मिल जाती है तो फिर ये पकड़ लेती है, यह बात तो मैंने समझ ली। अब एक और बची हुई है, अगर इसको मैं किल नहीं करूँगा, देखो ये एकदम से आके पकड़ के खींच के लेकर जाती है मुझे। लेकिन हम बचते रहेंगे गाइस इससे, और बस थोड़ी सी हेल्थ और बाकी इसकी, उसके बाद में ये किल हो जाएगी। हो गई या हो गया, जो भी है। चलो तो इसका काम ख़त्म। अब मैं इधर की साइड में आ सकता हूँ और यहाँ पे हम लोगों को अपनी लूट उठानी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसे पेटी वेटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तीन जगह ग्रीन लाइट हो रही है, तो तीन जगह अपनी लूट है। अरे यार, यहाँ पे आने के बाद में भी कुछ शो नहीं हो रहा है, शो कर दे गेम तो फिर उसके बाद में मैं अपनी लूट उठा लूँ। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे आर्क सर्वाइवल में, कि मतलब जहाँ पे हम लोग किल होते हैं ना, वहाँ पे ग्रीन लाइट दिखाई देती है ऊपर तक, ताकि हमें पता चल जाए कि वहाँ पे अपनी लूट छूटी है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था यार कि मतलब अपनी लूट भी छूटती है। तो यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, बट इसकी लूट एक मिनट में कैसे लूँ यार। चलो ये देखो, मैंने इसको ओपन कर लिया है और टेक ऑल पे क्लिक कर दिया मैंने, बॉक्स गायब हो चुका है। और अब इसमें भी अगर बॉक्स दिख गया, ओके, इसको भी मैंने टेक ऑल कर दिया। अब एक और ग्रीन लाइट बची हुई है, ये लो मैं किल हो गया फिर से। अब फिर से उस जगह पे ग्रीन लाइट हो जाएगी, फिर से मुझे लूट लेकर आनी होगी। तो अभी एक बार फिर से मैं उसी जगह पे आ चुका हूँ, अब दो जगह ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ की लूट पहले हम लोग उठा लेते हैं, ये लो भाई टेक ऑल कर दिया, ये हो गई गायब। और यहाँ का बॉक्स मुझे पहले भी दिखाई नहीं दिया और अब भी दिखाई नहीं दे रहा, ओके है तो सही, तो टेक ऑल मैं कर देता हूँ। चलो तो अभी यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारे लूट मैंने उठा लिए अपनी। अब निकलते हैं पानी में से, नहीं तो अगर पानी के अंदर ज़्यादा देर रहेंगे तो दम घुटने की वजह से किल हो जाएंगे। तो गाइस, मैं जब भी आर्क सर्वाइवल में अपने घर पे रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ दिखाई देता रहता है दूर दूर तक का, क्योंकि इस गेम की ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है। लेकिन भाई एक जगह मुझे ऐसी दिखाई देती है, एक टावर सा दिखाई देता है, जैसा मार्क इसके हाथ पे है ना, वैसे ही मार्क का एक टावर मुझे काफ़ी दूर दिखाई देता है। तो आज उसी टावर का मैं पीछा कर रहा हूँ गाइस, मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस टावर पर पहुँचने के बाद में आखिर वहाँ पर क्या है, ठीक है। तो एक बार हम लोग चलते हैं, वैसे हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वहाँ पे हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, हो सकता है वहाँ पे कोई मॉन्स्टर हो।
बट ये सब कुछ जाने के बाद में ही पता चलेगा। मुझे काफ़ी पास में नज़र आ रहा था पहले, लेकिन भाई अब मैं इसकी तरफ बढ़ता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे भाई रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। चलो तो हम लोग उधर की साइड में ही चलते हैं। बीच में काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है, तो इन पहाड़ियों को क्रॉस हमें करना ही पड़ेगा। और मैं चलते चलते थोड़ी बहुत लूट भी करता जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बैग में मतलब चलने का कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, थोड़ी बहुत लूट भी अपने बैग में आ जाए। चलो यहाँ पे यार मतलब एक तरह से देखो ना जंगल ही अलग आ गया, और अब इधर की साइड में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आ गई। मैं नीचे गिर रहा हूँ खाई में, वैसे खाई ज़्यादा नीची नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से निकलना ही चाहिए। इधर की साइड में रास्ता जब बना हुआ है जाने का तो यहीं से ही चलना चाहिए हमें। ओके तो इधर की साइड से होकर निकल लेते हैं गाइस। यहाँ पे बहुत सारा स्टोन विस्टोन मेटल वेटल काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है गाइस, ये देखो ना आप लोग चारों तरफ यही तो सब कुछ है। तो मुझे जाना है उस टावर तक। ओके तो मैं जाता हूँ गाइस, और उसके बाद में देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हमें मिलता है। पहली बार जा रहा हूँ। तो गाइस बिना रुके लगभग 10 मिनट तक मैं चलता रहा इस टावर की साइड में ही, और अंत में उस जगह पे शायद अब पहुँच चुका हूँ जहाँ पे ये टावर है। नीचे की साइड में एक डायनासोर मुझे बड़ा वाला दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो डायनासोर हमें खाएगा नहीं क्योंकि वो खाने वाला डायनासोर नहीं है, ये अपने काम से मतलब रखता है। और यहाँ पर ये क्या है यार, ये मैंने थोड़ा बहुत ऐसे देखा तो है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे एक की है, और इस की का क्या काम होगा मुझे अभी तक पता नहीं है। आप लोगों को तो पता होगा गाइस, आप लोग अगर आर्क सर्वाइवल खेल रखे होंगे तो मुझे कमेंट में बताना। इसकी पूंछ कितनी लंबी है यार, यहाँ तक उड़ रही है। ओके तो बीच में तो ये बना हुआ है, बाकी इधर की साइड में ये भी है, उधर की साइड में भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है, मतलब हर साइड पर ऐसा भी कुछ है। अरे भाई साहब यहाँ पे तो काफ़ी नीचा पानी है। ओके उधर की साइड में चलते हैं गाइस, एक बार देखते हैं ये आखिर क्या है। वहाँ पे तो की मिली हमें, वैसे वो मैं ले नहीं पाया हूँ अभी तक, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस की को लेने के लिए, मतलब वो एक तरह की चाबी है, उस चाबी से ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि हम काफ़ी गेम खेलते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट होता है तो उसमें ड्रैगन किल करते हैं, वैसे भी इसमें कोई लास्ट की स्टेज होती होगी। अब पता नहीं यार मेरी हेल्थ कौन कम कर रहा है, और मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था और फाइनली मैं किल हो गया। मुझे भी पता था मैं किल होऊंगा, लेकिन बस मुझे वो जगह देखनी थी कि वहाँ पर आखिर होता क्या है, तो मैंने वो जगह देख ली है भाई। वहाँ पर टावर है और एक की मुझे दिखाई दी है, मेन काम तो उस की का ही होगा। चलो तो देखो यहाँ से भी वो टावर दिखाई देता है। तो गाइस अभी मैं अपने घर से बाहर निकला था मतलब आने के बाद में, और ये डायनासोर वहाँ पे आया, ठीक है। इसने मुझ पर मतलब मुंह में से कुछ फेंका और मुझे सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई देने लगा, मतलब साफ दिखाई देना बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि यार इसको तो फॉलो करना ही चाहिए, तो जब मुझे सब कुछ दिखाई दिया मैंने इसको फॉलो किया तो ये पानी के अंदर भाग गया, लेकिन मैंने इसको पानी के अंदर आके किल कर दिया है। भाई देखो ऐसा काम करेगा तो हम भी तो अपना काम करेंगे। वैसे अपनी हेल्थ है ना काफ़ी कम हो चुकी है, ये देखो रेड रेड सा आ रहा है यार, अपनी हेल्थ धीरे धीरे बढ़ती तो जा रही है। लेकिन अभी तक मुझे इस गेम में एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, पानी का कुछ जुगाड़ होता है क्या? मतलब एक दिन मैं खाना खा लिया था इस गेम में, तो फिर उसके बाद पानी मांगा है, अब पानी कैसे पिलाऊँ मुझे यही बात समझ में नहीं आई, तो किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में बता तो रहे थे कि भाई पानी ऐसे पिलाओ इसको, नदी में जाओ और वहाँ पे जाके पानी ये खुद ही पी लेगा, बट ऐसा होता नहीं है यार। ये देखो कहाँ पे पी रहा है, मैं तो पूरी नदी में नहा के निकल रहा हूँ लेकिन ये पानी पीता ही नहीं है। अगर पानी की वो लाइन पूरी फुल भर जाए तो समझ में आ जाए कि पानी पी लिया, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। वहाँ पर एक वाइट लाइट दिखाई दे रही है मुझे, वहाँ पर कुछ हो सकता है क्या गाइस? अब देखो ग्रीन लाइट तो तब होती है जब अपनी लूट छूटती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई ये भी मुझे पता करना ही चाहिए ना। तो मैं जाके तो देख रहा हूँ, अब यहाँ पे कोई शार्क है, यहाँ पे यार बहुत बड़ी शार्क है, ये लो उसने तो एक ही फटके में मुझे बहस दिया खुद के घर पे, क्योंकि मेरी हेल्थ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कम थी। चलो तो यहाँ पर मुझे ग्रीन लाइट फिर से दिखाई दे रही है, तो उस जगह पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे मैं वैसे किल तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन पता नहीं ग्रीन लाइट क्यों आ गई। एक मिनट, ये वही तो जगह नहीं है जहाँ पे अभी मैं वाइट लाइट के पीछे गया था। नहीं यार ये वो जगह तो नहीं है, ये दूसरी जगह है, लेकिन यहाँ पे अगर बॉक्स दिखाई दे जाए लूट का तो अच्छा रहे। ओके हमें मिल गई शायद लूट, एक ग्रीन लाइट उधर की साइड भी हो रही है। अब भाई उधर की साइड में तो मैं किल ही नहीं हुआ, फिर ये दिखा क्यों रहा है?
पता नहीं गाइस इसमें क्या ऐसे फ्री में भी लूट देता है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर फिलहाल अभी उधर की साइड में चल के देख लेते हैं। अच्छा हाँ, वहाँ पे मैं किल हुआ था गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे वाइट कलर की लाइट दिखाई दे रही थी। हाँ तो वहाँ पे तो मैं किल हुआ था। ओके मैं इतनी दूर था क्या उस जगह से? हाँ इतनी दूर तो था यार गाइस। वहाँ पे एक टावर सा बन गया है, उस पर बिजली सी चमक रही है। लेकिन यहाँ पे शार्क है यार, इन शार्क को किल करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और यहाँ पे एक नहीं तीन शार्क दिखाई दे रही है मुझे, ज़्यादा भी हो सकती है नीचे से निकल के आ जाए तो। ये आ गई, अरे तेरी, मैंने उसको फटका तो दिया है, बट इसकी हेल्थ है ना 500 से भी ज़्यादा है गाइस, तो इसीलिए अपनी हेल्थ इसके मुकाबले में काफ़ी कम है। ये लो उसने मुझे फिर से किल कर दिया है। तो वहाँ से मुझे पता है कि शार्क ऐसे मुझे लूट लेने नहीं देगी, और मैं कोई मंजा हुआ खिलाड़ी नहीं हूँ अभी तक इस गेम में कि मैं तीन शार्क को किल कर दूँ, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। फिलहाल मैं अभी रेसिपी ओपन कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भाई कुछ पानी पीने का जुगाड़ होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं इससे पानी पी पाते हैं या नहीं पी पाते हैं। और तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे पानी पी सकते हो, कोई है क्या यार बोतल ऐसा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे बनाने में। गाइस अगर कुछ है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि देखो जो तरीका आप लोगों ने कमेंट में बताया ना कि भाई पानी के पास जाओ ये खुद ही पानी पी लेगा, वो तो ये कर नहीं रहा, तो इसलिए पानी इसको पिलाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये बनाई है, देखो कुछ ये यार कुछ पेस्ट वेस्ट बनता दिखता है यार इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है ये पानी पीने का तो जुगाड़ नहीं होगा। तो इसको कहाँ पे लगाए, इसको शायद लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, फिर उसके बाद में इसमें कुछ बनेगा। तो गाइस वो जो मैंने अभी बनाया है ना उसके साथ में एक कुछ कटोरे टाइप जैसा भी है, वो भी शायद हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कुछ रिसोर्स ढूंढ रहा था ताकि मैं वो भी बना पाऊँ, बाकी उनका नाम तो मुझे पता नहीं है अभी तक, अभी देख के बता दूंगा मैं। तो इधर की साइड में मैं आया था, एक डायनासोर दिखाई दिया बड़ा वाला मुझे, और मैंने उसके एक फटका टिका दिया। अब भाई वो मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन अभी चलो छोड़ दिया उसने मुझे, शायद वो भूल गया दुश्मनी बीच की, लेकिन मैंने उसके एक फटका टिका दिया। वैसे ऐसे बड़े डायनासोर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा होती होगी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी इनको टेम कैसे करूँ ये भी मुझे सीखना पड़ेगा। एक बड़ा डायनासोर अगर मैं टेम कर लूँ तो उस पर बैठ के मैं आराम से चल सकता हूँ। तो गाइस मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसको क्राफ्ट कर लिया है, लेकिन सच में तो इसकी रेसिपी ओपन हुई थी, मैंने इसको क्राफ्ट किया ही नहीं था। तो अब मैंने क्राफ्ट करने को लगा दिया है, लेकिन उसके साथ में कोई एक प्याला साग भी है, वो भी शायद मुझे बनाना पड़ेगा, उसकी रेसिपी लेनी पड़ेगी। तो गाइस ये बनाने के बाद में मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई इसका क्या काम है, इससे ही पानी पी सकते हैं क्या, क्योंकि इसके साथ में मुझे एक प्याला भी दिखाई दे रहा था। हालांकि वो प्याला अभी तक मैंने ओपन नहीं किया, रेसिपी नहीं मिली, लेकिन वो मिल जाएगी। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई ये पानी पीने का काम नहीं आता है, ये तो फूड की चीज़ें मिला के कोई पेस्ट बनता है, उसको खा सकते हैं, खाने का ये बना देगा तुम्हारे लिए। अब कैसे बनेगा वो तुम खुद सीखना, ठीक है, उसने ये बताया। तो मैं सोच रहा था कि इससे कुछ पानी वानी पीने का जुगाड़ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है यार, तो मैंने गलत रेसिपी ओपन कर ली। एक बात मैंने अपने दोस्त से और पूछी कि भाई ये बार बार में मेरा बंदा बेहोश क्यों हो जाता है, तो उसने बताया कि आप कुछ गलत बेरी इसको खिला रहे हैं इसीलिए ये बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने यार वो ब्लैक वाली जो बेरी होती है ना वो शायद इसको खिलाई थी अभी, और उसकी वजह से ही ये बेहोश हो गया है। वैसे इसको होश आ जाएगा अपने बंदे को, तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, वो मुझे जानकारी दिया, तो ऐसे ही आप लोग भी कमेंट में जानकारी दो, ठीक है। तो पानी की जानकारी ये मिली मुझे, मेरे दोस्त ने ये भी बताया कि एक बोतल जैसी कुछ बनेगी, ठीक है, उससे हम लोग पानी पी सकते हैं, नदी के पास जाना, उसको भर लेना और फिर पानी पी लेना। हालांकि उसने ये भी कहा जो बात आपने बोली थी कमेंट में कि भाई नदी के पास जाओ पानी पी लो, बट मुझे पीना नहीं आता गाइस, पता नहीं कैसे पीते हैं। तो ये बातें पता चल गई है, तो अपना बंदा बेहोश हो गया था, लेकिन फिलहाल अभी इसको होश आ चुका है यार। चलो इसको घर पे लेकर चलते हैं, बेचारे ने ज़्यादा ही बेरी खा ली, ये वाली बेरी देखो इधर की साइड में जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली बेरी इसने कुछ ज़्यादा खा ली थी, और इससे शायद मुझे लगता है कि बेहोश हो जाते हैं। तो अभी पानी की जो बॉटल है जो कुछ उसका नाम होता होगा वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में ढूंढ के और बनाऊंगा, ठीक है। तो बस यार गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो
तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं गाइस जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि काफ़ी भाई लोग हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कर लीजिए यार गाइस, ठीक है। बाकी हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग सर्च भी कर सकते हो फेसबुक पेज जाके, ठीक है, मैक्स मोर गेमिंग करके। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय।